हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जो दक्षता उन्नयन के तहत जो आपकी बुक है, कौन सी बुक है, इंग्लिश वर्क बुक है। इस इंग्लिश वर्क बुक की आपको वर्कशीट बताएंगे और ये कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है और ये सत्र 2022-23। और इस पुस्तक को किसके माध्यम से बनाया गया है, तो यह पुस्तक है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। इस पुस्तक के माध्यम से बच्चों का जो स्तर है उसको ऊपर लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और यह जो वर्कशीट आपको हम बताएंगे, ये वर्कशीट आपकी स्तर 3 से 5 की है और किस समूह के बच्चे, तरुण समूह के बच्चों की है। तो चलिए देखते हैं हम वर्कशीट कौन सी, 36। और ये वर्कशीट 36 का लेसन कौन सा है, लेसन है 14 है 14, जैसे प्रीपोजिशन फर्स्ट क्या दिया है, प्रीपोजिशन फर्स्ट। और प्रीपोजिशन का आपको बहुत ज़्यादा महत्व है, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए प्रीपोजिशन आपको बनना अनिवार्य है। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक शब्द। देखिए वर्कशीट 36, डेट यहाँ दिया है, गतिविधि का नाम लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स, आपको चित्र देखकर शब्द पढ़ना है। लुक क्या है, देखना, एट द पिक्चर चित्र देखकर, एंड रीड द वर्ड शब्द पढ़ें, रीड यानी पढ़ना, वर्ड यानी शब्द। देखते हैं हमें चित्र हमारे सामने यहाँ दिया हुआ है, इस चित्र को देखना है हमें। देखिए चित्र आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या है, एक फुटबॉल है, ये क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल दिख रही होगी आपको। इस फुटबॉल में क्या दिया हुआ है देखते हम। सबसे पहले हम इस लाइन में जाते हैं, तो यहाँ पे देखने के बाद आपको क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये टेबल के ऊपर क्या है, फुटबॉल है, टेबल के ऊपर है। जब कोई वस्तु ऊपर रहती, किसी भी चीज वस्तु के ऊपर रहती, जैसे टेबल के ऊपर है या कुर्सी के ऊपर है, अलमारी के ऊपर रहती, तो यहाँ पर फुटबॉल किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है, इसलिए किसका उपयोग करेंगे, ओन का, क्या आएगा इसमें, ओन आएगा। तो ये ओन का प्रीपोजिशन, ओन का यूज़ कहाँ करेंगे, जब कोई वस्तु ऊपर है, तो देखिए फुटबॉल ऊपर है तो किसका उपयोग करेंगे, ओन का। फिर इसी के बाद यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर, ये ऊपर का ही डिब्बा देख रहे हैं हम, अभी हमने ये वाला डिब्बा देखे थे। अब यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर क्या है, फुटबॉल, जो फुटबॉल कहाँ पर है, ये बॉक्स के अंदर है। तो जब कोई अंदर बॉल है तो उसमें हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, एन, कौन सा प्रीपोजिशन करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पे ये टेबल के नीचे फुटबॉल है, किसके नीचे, टेबल के नीचे फुटबॉल है, तो नीचे के लिए किसका उपयोग करेंगे, किस प्रीपोजिशन का, अंडर का। उसके बाद आगे देखते हैं, अब यहाँ से देखिए फुटबॉल को, फुटबॉल कहाँ है, ये सोफा सेट है, इसके पीछे है, तो पीछे के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, बिहाइंड आएगा, पीछे के लिए कौन सा आएगा, बिहाइंड आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोफा सेट है, इसके सामने कौन सी क्या है, फुटबॉल है, सामने है, तो इसके लिए क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ, तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ। तो इस प्रकार से आपका वर्कशीट 36 यहाँ पर कंप्लीट हुई। इसके बाद वर्कशीट 37 देखते हैं, इसमें भी क्या कहा है, गतिविधि का नाम है लोकेट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस, चित्र देखकर वाक्य पढ़ें। अब देखना हम इस चित्र को देख लेते हैं, चित्र देख के हमको क्या पढ़ना है, वाक्य को पढ़ना है। ये चित्र दिख रहा है आपको, चित्र में टेबल के ऊपर क्या रखी है, फुटबॉल रखी है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, द बॉल इन ऑन द टेबल, यानी कि जो बॉल है, फुटबॉल है, किस पे रखी है, टेबल पर रखी है, तो कौन सा प्रीपोजिशन उपयोग होगा, ऑन प्रीपोजिशन। तो ये सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे, द बॉल इन ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ पे टेबल के नीचे क्या रखी, बॉल, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, द बॉल इज अंडर द टेबल, द बॉल इज अंडर द टेबल, तो अंडर यानी नीचे है। इसके बाद देखिए तीसरा, देखिए तीसरा क्या कह रहा है, ये आपको दिख रही है क्या, कप दिख रहा है, कप के अंदर क्या रखी, स्पून रखी हुई, स्पून यानी चम्मच रखी हुई है, तो यहाँ अंदर रखी है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, द स्पून इज इन द कप, यानी कौन सा प्रीपोजिशन यूज हुआ, इन। इसके बाद नेक्स्ट चौथा नंबर देखिए, चौथे नंबर में क्या दिया हुआ है,
ये जो बॉक्स के सामने बॉल रखी है तो इसको कैसे, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ, इसको पढ़ेंगे कैसे, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। उसके बाद ये सोफा सेट के पीछे क्या रखी हुई है आपकी बॉल रखी है तो इसको पढ़ेंगे बिहाइंड, तो क्या पढ़ेंगे, द बॉल इज बिहाइंड द सोफा, यानी कि बॉल किसके पीछे रखी है, सोफा के पीछे रखी है। तो इस प्रकार से आपके जो वर्कशीट 37 थी इसमें ये बताया गया कि पीछे में किस प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, सामने अंदर किस प्रपोजिशन का, ऊपर में किस प्रपोजिशन का उपयोग करेंगे, ये आपको बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट 38 आती है, इसमें गतिविधि का नाम क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद इन ऑन टेबल अंडर, यानी कि आपको खालिस्तान भरना है किसका, इन ऑन और अंडर का यूज़ करते हुए। तो देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं, खालिस्तान देखते हैं। सबसे पहले हम किसको देख लेंगे, इस चित्र को देख लेंगे। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन किसका यूज़ करना, इन का। इन का यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कप के अंदर क्या है, स्पून है, तो आपको खालिस्तान में इस प्रकार से दिया, द स्पून इज, और आप इस चित्र को देखेंगे, चित्र में क्या है, अंदर है, तो क्या लिखेंगे, इन द कप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई एन इन, तो क्या आ जाएगा आपका, इन, तो खालिस्तान में क्या आ गया, इन, तो क्या पढ़ेंगे, द स्पून इज इन द कप, यानी कि चम्मच कप में है। फिर तो दूसरा देखिए, ये पुस्तक दिख रही है आपको, ये पुस्तक ऊपर है, ऊपर के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ओन आएगा। अब ओन आ रहा है तो ओन के लिए हम क्या बोलेंगे, देखिए सेंटेंस क्या दिया था आपको, द बुक इज खालिस्तान द टेबल, तो बुक कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है, इसलिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ओन। ओन की स्पेलिंग क्या हो गई, ओ एन ई ओन, तो ये ओन की स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, ओन प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद तीसरा देखिए क्या दिया है इसमें, ये जो आप देख रहे होंगे ये पानी के अंदर है, कौन है, मछली, मछली क्या कहते हैं, फिश, किसके अंदर है, पानी के अंदर है, तो अंदर के लिए किसका यूज़ करते हैं, किस प्रीपोजिशन का, इन प्रीपोजिशन। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, द फिश इज खालिस्तान द वाटर, तो ये खालिस्तान में क्या आ जाएगा, इन द वाटर, किस प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे, इन का, और इसका हिंदी में अर्थ होगा कि मछली पानी के अंदर है या पानी में है। देखिए इसके बाद ये कुर्सी के नीचे क्या रखा हुआ है, केट एन बिल्ली, देखिए यहाँ पे कुर्सी के नीचे ये बिल्ली है, तो नीचे के लिए क्या आता है, अंडर प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है, और आपको इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक दे देगा, खालिस्तान दे देगा, द केट इज खालिस्तान द चेयर, तो बिल्ली खालिस्तान के नीचे है, तो अंडर आ जाएगा, नीचे के लिए क्या आएगा, अंडर, द केट इज अंडर द चेयर। तो इस प्रकार से आपका ये फिल इन द ब्लैंक चौथा और वर्कशीट 38 समाप्त होती है। आपको आपको यहाँ पर वर्कशीट 38, 37 और 36 बताए। आपको यदि वर्कशीट जो हमारे द्वारा बताई गई आपको समझ आएगी तो आप हमारे चैनल आइडिया देव क्लास से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।